स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में साहिबा तड़प उठी है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है। असल में साहिबा अंगद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे कहीं न कहीं ये लगता है कि वो अपनी सीरत दीदी की जगह पर गलती से आ गई है। ऐसे में वो अपनी बहन सीरत को याद कर बड़े बड़े आंसू बहा रही है। मोटे मोटे नहीं आंसू रोऊंगी तो क्या करूं, इतना कुछ कबाड़ा हो गया है, जिससे शादी नहीं करनी थी उससे शादी हो गई है। अब इतना कुछ कंट्रोल करने के बाद, इतना स्ट्रांग बनने के बाद, एक पॉइंट तो आएगा जब ब्रेकडाउन होगा। तो बस वो वही ब्रेकडाउन था व्हेन शी रियलाइज्ड कि मैंने ये सीरत दी की रिंग पहनी हुई है, मैंने किसकी शादी होनी थी किसकी हो गई है। तो वो सब रियलाइजेशन आया, पापा जी की बातें याद आई, तो साहिबा बहुत इमोशनल हो गई, वो फट फट के रोई। फिर उसको याद आया कि हाँ मैं सीरत दी नहीं है तो कहीं वो किसी मुसीबत में तो ही नहीं है, आखिर बहन है। तो बस वो बहन को ढूंढने निकली एंड एंटर्ड एंड जसलीन जी एंटर्ड। भाई जसलीन तो चाहती है साहिबा और उसके परिवार वालों को अंगद के परिवार वालों के सामने नीचा गिराना। ऐसे में वो साहिबा की मदद करती तो है, लेकिन जानबूझकर वो साहिबा को पीछे वाले गेट से जाने के लिए कह देती है। इतना ही नहीं, जसलीन तो इसकी जानकारी अंगद को भी दे देती है। बस फिर क्या, साहिबा को तलाशते हुए जैसे ही अंगद जाता है तो उसका सामना साहिबा से हो जाता है। इससे पहले कि अंगद साहिबा पर नाराज होता, साहिबा उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। जसलीन जी ने मुझे कहा है इन शॉर्ट कि आप एक काम करो, आप फ्रंट गेट से नहीं, आप बैक गेट से जाइए। अब उसके लिए भी उनके पास अपनी एक पूरी अच्छी खासी प्लानिंग थी, जिसका नतीजा ही हो रहा है ये सब अंदर। एक्चुअली अंगद को लग रहा है कि शायद कुछ और ही कारनामे करने के लिए निकली है ये साहिबा। ये कुछ अच्छा तो वो सोच नहीं सकते हैं फिलहाल साहिबा के बारे में, बट यही है कि हाँ पीछे से निकली है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, ठग फैमिली की, एज व्हाट ही सेज। सभी घर वालों के सामने साहिबा को नीचे गिराना, और देखिए कैसे वो सभी के सामने साहिबा पर ना सिर्फ नाराज हो रहे हैं बल्कि सवालों पर सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच जब घर के दारजी को ये पता चलता है कि अंगद ने साहिबा का खाना उसे छीन लिया था, तो ऐसे में वो सभी के सामने अंगद को डांटते हुए अपने हाथों से साहिबा को खाना खिलाने के लिए कह देते हैं। बस फिर क्या, यहाँ पर भी अंगद का टशन दिखाई दे रहा है। भूखे के सामने से प्लेट लेके गए थे, अब भुगतना पड़ रहा है, खाने की सजी हुई प्लेट मेरे सामने से लेकर गए थे, अब भुगत रहे हैं, और दारजी डांट डांट के खिलवा रहे हैं खाना। पर ये भी अपने ही रंग में ऐसे ऐसा थोड़ी खाना खिलाते हैं कोई जैसे खिला रहे हैं पर देखो इट्स फन, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।